चलती हुई रोड है, यहाँ पर मैं उतर गई हूँ और अब मैं होटल में एंटर हो रही हूँ। ये है आइबिस होटल, इधर से कार पार्क है और ये है मेन एंट्रेंस। ये पूरा व्यू है इसका और यहाँ पर हमारा ये चेक रखना नहीं। ओके, अब इस तरह से अंदर आएंगे। ये है काउंटर, थोड़े इनसे आइडिया ले लेते हैं। कीज ओके। एंड व्हाट अबाउट द वाईफाई? लास्ट देखती हूँ भास्कर वॉशरूम से बाहर आ गया या नहीं। लिफ्ट का एक्सेस तो मैंने रिसेप्शन से करवा लिया था क्योंकि जो यहाँ कार्ड की होती है उसके बिना हम रूम में नहीं जा सकते। तो मैं देखती हूँ भास्कर रूम से बाहर आ गया या। ये वो कार्ड की है, यहाँ पर ये निशान बना है, ये वहाँ पर टच होना चाहिए और फिर डोर खुल जाता है, एक ग्रीन कलर की लाइट भी आती है। और रूम अभी थोड़ा सा मेसी है क्योंकि हम लोग आ गए थे लेकिन वीडियो बनानी भूल गए, तो आज मैं थोड़ा सा फिर भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बता रही थी कि ये विंडो इतनी लॉक हो जाती है इससे कि बिल्कुल पता नहीं लगता कि बाहर अंधेरा है या नहीं और हम सोते रह जाते हैं। ये यहाँ की वॉल पर वॉलपेपर बड़ा अच्छा राइस का डिज़ाइन इस पर बनाया हुआ है। हमने होटल बुकिंग ऐसी की है कि यहाँ से हम जहाँ भी कहीं थोड़ा बहुत घूमने जाना चाहें तो सब इसके आसपास है, हमें बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। चलो मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ, आप देखते रहो मेरे साथ पूरी वीडियो। देखती हूँ भास्कर वॉशरूम से बाहर आ गया या नहीं। लिफ्ट का एक्सेस तो मैंने रिसेप्शन से। अब अगली सुबह हो गई है और हम बुफे के लिए जा रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक होटल का बुफे कैसा होता है और वहाँ क्या क्या खाना हम लोग खा सकते हैं। कटलरी और टिश्यू वगैरह अपनी टेबल पर ही हमको मिल जाते हैं, वो लाने नहीं पड़ते। फ्रूट्स के बाद अब मैं लाई हूँ नूडल्स और पाव भाजी। कैसा लग रहा है भास्कर? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। पैसे दे दिए जाएं तो यहाँ पर अलग अलग फूड का मज़ा ले सकते हैं, ये बात तो फैक्ट है। और यही खाना अगर हम बाहर खाते हैं तो बहुत दिन खाना होगा, उससे बेहतर है यहाँ हम
एक साथ खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे और पेट भर जाएगा, तो पेट भर जाएगा। और उसके अलावा उतना ऑयली फूड हम नहीं खाएंगे, क्योंकि यहाँ पोर्शन हम कम खाएंगे, बाहर खाएंगे तो ज़्यादा खाएंगे। हाँ, और यहाँ सुबह उठते ही आपको ब्रेकफास्ट की लंच की चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ खाने के बाद एक तो हम लेट आते हैं रूम से, हमेशा ही जो भी रुकता है अगर उसे कहीं नहीं जाना तो ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा सो पाता है यहाँ पर, क्योंकि रूम्स बहुत अच्छे एकदम कर्टन फिट होते हैं, बिल्कुल पता नहीं लगता कि टाइम क्या है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बुफे रूम के साथ बुकिंग में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। वड़ा पाव जो है यहाँ पर डेली उस वाले सेट में, ये मुंबई का एक लोकल आइटम हमने देखा है, हमको आज यहाँ थर्ड डे हो गया, एक दिन यहाँ मिसल पाव था, एक दिन यहीं की और डिश थी। तो इस तरीके से यहाँ पर डेली बुफे चेंज होता है, उपमा पोहा और साउथ इंडियन फूड जैसे आइटम डेली होते हैं, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पर हर चीज़ चेंज होती है, फूड्स चेंज होते हैं। अब मैं आपको यहाँ का एक और फूड का जो नेक्स्ट काउंटर है वो दिखाती हूँ। Yes? फिनिश करने के बाद मैंने साउथ इंडियन दूसरा फूड मंगाया जो कि फ्रेश बनाया गया है, यहाँ फ्रेश के ऑप्शंस भी रहते हैं जिसमें ऑमलेट और उत्तपम भी मंगाया जा सकता है। बटर वगैरह सब रखा है, वो लिया जा सकता है। कॉफ़ी का मज़ा लेती हूँ और आप देखिए पीछे भी यहाँ पर बैठने के लिए अरेंजमेंट है, और ये है अंदर का एरिया, यहाँ पर काउंटर पर पानी वगैरह रखा है। और मैंने आपको उम्मीद है यहाँ का पूरा टूर कराया, आपको अच्छा लगा होगा। बुफे क्लोज्ड का बोर्ड लगा दिया गया है और अब ये सारा वाइंड अप कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, लंच के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर आपको होटल में अच्छे से बुफे इंजॉय करना है तो टाइम से आना चाहिए और अपना फूड इंजॉय करना चाहिए। तो चलते हैं बाहर अपने रूम की तरफ, तैयार होते हैं और फिर उसके बाद आपको घुमाती हूँ मुंबई की एक और जगह। ये यहाँ का लाउंज एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा बैठकर मैं आपके साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, आपको अच्छा लगा है कि होटल में जब हम रुकते हैं तो वहाँ का बुफे कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है, तो आप इस वीडियो को कीजिएगा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और फिर मिलती हूँ आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं जाती हूँ अपने रूम की तरफ।